नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। राजधर्म में आप सबका स्वागत है। धर्म की चर्चा हमारे देश में हर कोई करता है, कभी कभी इस तरह भी करता है कि वैमनस्य पैदा करने की कोशिश होती है, नफरत बढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन आमतौर पर उस धर्म के साथ, राजधर्म जिससे देश चलता है, उसकी चर्चा हम नहीं करते। इसीलिए हमने इस शो का नाम राजधर्म रखा है। हमारा मकसद हर मुद्दे को राजधर्म की कसौटी पर कसना है, क्योंकि सही वही है जो राजधर्म कहता है। राजधर्म के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी जो सत्ता में है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी शारीरिक, प्राकृतिक और भौतिक कष्ट ना हो, लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो और मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए अपने धर्म का पालन करें। राजधर्म में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि देश को धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर क्यों बांटा जा रहा है। एक तरफ जहां हम हमारे देश को वैश्विक गुरु बनाने की बात करते हैं, वहां सिर्फ इसीलिए एक टैक्सी को कैंसिल कर दिया जाता है, टैक्सी की बुकिंग को, क्योंकि ड्राइवर मुस्लिम है। जहां हनुमान की तस्वीर देखकर ड्राइवर को 1 स्टार दे दिया जाता है। क्यों किया जाता है एक ऐसे देश में जो खुद को सबसे बेहतर देश मानता है, जो लोकतंत्र की वजह से खुद को मजबूत मानता है। और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, क्यों धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम ड्राइवर होने पर कैब कैंसिल कर दी। अगर कोई थप्पड़ हमको मारेगा तो हम दुगनी रफ्तार से उसको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही देंगे। बेंगलुरु में हनुमान की तस्वीर वाली कैब में सफर से मना कर दिया। कोलकाता में हनुमान और काली की तस्वीर देखी तो ड्राइवर को 1 स्टार दिया। कौन है जो देश को बांटने की साजिश रच रहा है? चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे ये ताजा विवाद पैदा हुआ है। एक तस्वीर बीएचपी कार्यकर्ता अभिषेक मिश्रा के ट्वीट की है। अभिषेक मिश्रा आज खुद हमारे साथ लाइव इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। अब ये ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया है कि कैब का ड्राइवर मुस्लिम था, इसीलिए उन्होंने कैब कैंसिल कर दी। दूसरी तस्वीर है बेंगलुरु की रहने वाली रेशमी नायर की फेसबुक पोस्ट की। इनका कहना है कि टैक्सी पर हिंदुत्व की प्रतीक वाली तस्वीरें लगी रहती हैं जिससे इन्हें सफर करने में डर लगता है। जाहिर सी बात है, दोनों तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर गुस्सा आए। सोशल मीडिया पर लोग दोनों ही पोस्ट्स पर अपनी नाराजगी जता भी रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश को, समाज को बांटने वाला ये काम आखिर हो क्यों रहा है। राजधर्म में आज का हमारा सवाल यही है कि आखिर हिंदू मुस्लिम का ये जहर कौन फैला रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीएचपी से कार्यकर्ता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं और अभिषेक मिश्रा ने ही इस विवाद को इस बार जन्म दिया है। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के स्टूडियो में हैं, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हिंदू एक्टिविस्ट अजय गौतम जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। विजय, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। इतने विवाद के बीच में भी वक्त निकाला, आप आए, बड़े हैं आप, इतने बड़े बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं, भाई हैसियत है आपकी बहुत ज्यादा। लेकिन राजधर्म की शुरुआत में अगर आपने मुझे सुना हो या मेरे मुख से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसे सुना हो, तो उसमें जो आखिरी की पंक्ति है वो कहती है, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, यानी प्रेम और सद्भाव बनाते हुए सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, यही राजधर्म सिखाता है। आपका राजधर्म कहां गया मिश्रा जी? नेहा जी, पहले तो मैं आपका एबीपी का और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरी खबर प्रारंभ करने से पहले आपने उसका भी खबर दिखाई जिसने 1 रेटिंग दिया था हनुमान जी का चित्रण होने के कारण, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और बात यह है कि मेरा राजधर्म पे जो चर्चा हो रही है, विषय यह है कि अगर रेशमा के नैयर और अबध हसैन जैसे लोग करते हैं और उन्होंने तो ये जाना भी नहीं कि कैब में व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम। रेशमा नैयर ने कैब सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दी कि उस पर भगवान हनुमान का चित्र था रुद्र अवतार का।
हनुमान हमारे आराध्य हैं। हनुमान को उन्होंने बताया कि वायलेंस का फेस बताया इन्होंने, और उन्होंने तो बिना जाने कैब कैंसिल कर दी कि अंदर हिंदू या मुस्लिम, सिर्फ हनुमान का रूप देख के। और कोलकाता में अभद्र ने क्या किया रहा, एक रेटिंग दिया सिर्फ राम का नाम होने से, और बाद में कैब बोला कि कैब भी मैं दोबारा से प्रयोग नहीं करूंगा। तो किसने ये धर्म की राजनीति, जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हो, ये किस लोगों ने प्रारंभ किया? मैंने तो खाली जो उन्होंने प्रारंभ किया उसका जवाब दिया अपने माध्यम से। को कौन जानता है? पेट्रोलियम मंत्री फॉलो करते हैं, देश की रक्षा मंत्री फॉलो करती हैं, आपको करते हैं नहीं। अगर देखिए, मुझे लोग फॉलो करते हैं, हाँ फॉलो करते हैं तो ठीक है, मतलब है। जो मैं लिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे वो उसको स्वीकृति देते हैं लिखने की, वो उसलिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती घसीटा जाए, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। क्या होता इसमें है? किसी आपको इतने लोग आपको इतने जिम्मेदारी करते हैं, मैंने इस विषय इतने बड़े बड़े मंत्री आपको फॉलो करते हैं मिश्रा जी, मुझे ये बताइए मेरा उनसे क्या लेना देना? एसके आबिद हसन और रश्मि नायर से मेरा क्या लेना देना? नेहा पंत तो अभिषेक मिश्रा से बात करेगी, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं ना। अगर ये विषय तो आपसे बात कर रही हूं, जो रेशमा के नैयर और अबद हसैन की जो बात हो रही है वो इसलिए बात हो रही है कि मैंने एक हिंदू डिस्क्रिमिनेशन, हिंदू ड्राइवर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, इसलिए मैंने एक मुस्लिम के साथ जब वो किया तब ये बात उठ रही है। आपने गलत का जवाब गलत से दिया। आज मैंने करा सर, ये सिखाता हिंदू धर्म जो मैंने पढ़ा है मेरे हिंदू धर्म में, ये नहीं सिखाता हिंदू धर्म। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म आध्यात्मिक तौर पर बहुत मजबूत है। साइंस का एक नियम भी है, छोड़िए, हिंदू धर्म पर आइए, हिंदू धर्म पर आइए। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? एक आंख के बदले एक आंख पूरे संसार को अंधा कर देंगे। हमारे मैं कहता हूँ, आप जैसे लोग, महात्मा आप जैसे लोग सर, आप लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले भी लोग हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, मानने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताइए अभिषेक मिश्रा जी, सबका साथ, इस देश में सभी वीरों का, सभी हमारे स्वतंत्रता संग्रामों का, सबका सबका साथ रहा है इसके अंदर, किसी एक का नाम नहीं। ये भगत सिंह को मानने वाले भी लोग हैं और बोस जी को मानने वाले भी लोग हैं। बोली थी आपने सबका साथ सबका विकास, किसने दिया ये नारा सबका साथ सबका विकास? मैंने यही पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब किसने दिया ये नारा सबका साथ सबका विकास? लेकिन जब किसने दिया ये नारा सबका साथ सबका विकास? घुमाइए मत, आपको पता है, आपको सच्चे पता है। नहीं आप बताइए सर, लेकिन अगर एक समाज अगर हनुमान की फोटो देख करके, हमारे आराध्य हनुमान जी की फोटो को देख करके हनुमान जी को आतंकी, हनुमान जी को वायलेंस का फेस बताएगा, तो हिंदू समाज अपनी आवाज उठाएगा, इसी प्रकार से आवाज उठाएगा। और मैं आह्वान करता हूँ तमाम हिंदू संगठनों से, समाज इतना कमजोर नहीं है, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए। ऐसा मत बोलिए, जहर मत घोलिए, विरोध करना चाहिए। मैं आध्यात्मिक तौर पर सबसे ताकतवर हिंदू समाज, विरोध करें। आप अकेले हिंदू नहीं बैठे हैं, आप भी विरोध, आप अकेले हिंदू नहीं बैठे हैं यहाँ पर। वो भगवान क्यों क्यों डर रहे हैं? वो हनुमान की चित्र से, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो वो मोहरे हैं जिसको इस्तेमाल करके एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाई जाती है? इसमें काबा का फोटो था कि 786 लिखा था कि मोहम्मद साहब की कोई बातें लिखी हुई थी। मैंने कैब सिर्फ इसलिए कैंसिल किया है कि उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति था, उन्होंने कैब सिर्फ इसलिए कैंसिल किया उसमें मेरे आराध्य हनुमान का फोटो था। मैंने 786 कैब कैंसिल नहीं किया है। आप डरते हैं मुस्लिम विरोधी हूँ मैं? आप डरते हैं मुसलमानों से? नहीं मुझे बताइए ना, आप डरते हैं मुसलमानों से? नहीं, मैं कौन, मैं क्यों डरूंगा मुसलमानों से? नहीं डरते ना? क्यों डरूंगा? हिंदू धर्म डरता है किसी से? हिंदू धर्म डरता है किसी से? कैब कैंसिल नहीं किया है तो फिर मिश्रा साहब कैसे कह दिया आपने कि आपका पैसा जिहादियों को चला जाएगा? बस बिल्कुल, क्यों किसी से डरेंगे? तो फिर आप गुमराह क्यों कर रहे हैं इस देश को, समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? से मुझे हिंदुत्व ऐसा धर्म है जो सबसे मजबूत धर्म है, कैसी बात कर रहे हैं आप सर? इस विषय को मैंने अपनी आवाज से रखा, कोई हिंदू डर सकता है कभी? हर हिंदू समाज, आप हर हिंदू को गुमराह कर रहे हैं, और मेरे जैसे हिंदू का जो सर है वो शर्म से झुक जाता है। मैं महिला हूँ, मैं कैब में जाती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि ड्राइवर गाड़ी सही से चला रहा है या नहीं चला रहा। आप मैं ये देखती हूँ। हो आप क्या देख रहे हैं? करते हो उनके साथ आप असीमानंद को, आप हिंदू आतंकी बताते हो। बीएचपी कार्यकर्ता खुद को कहते हैं आप अभिषेक मिश्रा जी, बातों को मिलाइए मत। बीएचपी ने आपसे किनारा किया है, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात का मान रखिए आप, देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी बात का मान रखिए। सोचिए, मौलाना रशीदी मेरे साथ मौजूद है, मौलाना साहब सोचिए आप,
अभिषेक मिश्रा को मैं सब्जेक्ट पर लेकर आई, मैंने उनसे सारी बातें पूछी, आप डरते हैं कहते नहीं डरते, मैंने कहा हिंदू धर्म ये सिखाता है, वो कहते नहीं सिखाता, लेकिन वो कहते हैं कि आप देखिए एसके आबिद हसन को, रेशमी आर नायर को देखिए और पूछिए, मैं पूछूं आपसे कि क्या ऐसी बातों का आप खंडन करते हैं, वो कह रहे हैं हम तो टिट फॉर टैट करेंगे। देखिए जो भी इस तरह की बातें करे सबसे पहले तो मैं उसका खंडन करता हूं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, क्योंकि टैक्सी में मैं भी चलता हूं और कई बार ऐसा होता है कि मुझसे जो ड्राइवर होता है वो ये कहता है सर मुझे 5 स्टार दे देना, हालांकि मुझे उसकी ड्राइविंग भी पसंद नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचकर कि बेचारा पता नहीं कैसे कैसे अपने रोजगार चला रहा है, कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, फिर भी मुझको राकेश शर्मा फिर लिखा होता है तो बिल्कुल हिटकते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं भी कभी भी महसूस। सवाल ये है नेहा जी कि इस सोच से क्या पैदा होता है देश के अंदर, नफरत के अलावा कुछ नहीं। आपने देखा होगा पिछली दफा अफरोजुल इस्लाम का मर्डर हुआ, उसके बाद में जो कुछ जोधपुर में हुआ रामनवमी के ऊपर वो भी आपने देखा कि बाकायदा उसके शक्ल के एक आदमी को बिठाकर उसका जलूस निकाला गया, 20 लाख उसके अकाउंट में आ गए। ये वही सोच है, ये वही सोच है, इस सोच को जितना बढ़ावा दिया जाएगा। सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ आप लोग डिबेट भी क्यों करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को तो नकार देना चाहिए और कंडम कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को टीवी पर बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मिश्रा जी मौलाना कह रहे हैं ये गलत है, जो हुआ वो गलत है। अरे वो मुसलमान करे हिंदू करे, अभिषेक मिश्रा वो मुसलमान करे हिंदू करे बिल्कुल गलत है, हम कंडम करते हैं उसको। नहीं नहीं वो मुसलमान भी मुसलमान नहीं है जो इस तरह की नफरत फैलाए, हम कहते हैं मोहम्मद साहब ने तो ये कहा है कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, चाहे वो पड़ोसी मुसलमान हो या हिंदू हो। जो इस्लाम ये सिखाता है वो इस्लाम ये थोड़ी सिखा सकता है कि अगर हनुमान की तस्वीर बनी हो तो एक इस्लाम दीजिए। क्यों डर रहे हैं आप लोग, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, क्यों डर रहा है अबदसन? अरे उन्होंने अगर कंडेम किया आप ही कीजिए, इतना तो कीजिए ना, मैंने इतना तो कीजिए, मेरा कोई मुस्लिमों से कोई जो आपने बोला है नहीं है, मुस्लिमों से मेरा पर्सनल नहीं है तो इस तरह की बात क्यों? मैं आपसे ब्रेक के बाद ये जानना चाहूंगी कि एजेंडा किसका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा नहीं है, जो मिनिस्टर्स आपको फॉलो करते हैं उनका एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं, हिंदू धर्म किसी से डरता नहीं है, तो हिंदू शख्स इस तरह की बात से सहमत होगा नहीं, तो फिर किसका एजेंडा जो आप आगे बढ़ा रहे हैं? राजधर में आज की चर्चा हिंदू मुस्लिम में कौन बांट रहा है, देश में जहर कौन फैला रहा है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, अजय गौतम का मैं रुख करना चाहूंगी, हिंदू एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अजय जी इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है? देखिए नेहा जी आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पड़ी थी और रामराज का आपने जिक्र किया था, तो ये क्या वास्तव गौतम साहब एक मिनट मैं वो चौपाई डाली देती हूँ ना, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आज तो पूरे उसका यही पढ़ दीजिए ना, आप ही पढ़ के बता दीजिए। मैं मेरा चश्मा दिली ना है, मैं दूर का इसलिए मैं आपसे बता। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं मैं इसको कंप्लीट कंक्लूड कर देता हूँ। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, यानी अर्थ बता दीजिए ना अर्थ। नहीं नहीं मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ना उसको, मैं उसके भावार्थ में और शब्दार्थ में सर वो चौपाई में कंक्लूजन है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वो चौपाई लिखी थी राम राज की कल्पना करते हुए लिखी थी कि राम राज में आदर्श राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, वहां पे नर नारियों के पास स्वभाव। लेकिन क्या ये राम राज है? 100 करोड़ के हिंदुओं के देश के अंदर 14% लोग 100 करोड़ लोगों का राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे और आप राम राज की चौपाई पढ़कर हमें बता रहे हैं भाई। मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, शांत रहिए। नहीं आप हमें रामराज की बात पढ़ा रहे हैं, उस भगवान राम का मंदिर जो, और भगवान राम आज टेंट में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी चौपाई तो पढ़ लो लेकिन राम का मंदिर का विरोध करने वालों के बारे में बात मत करिए, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? हम बनवाते दूसरी बार चलिए मंदिर टेक्निकल डिटेल्स की अगर मैं बात करूं नहीं मानेंगे ये ढकोसला है। सवाल बीजेपी से जाकर पूछिए आप, ये ढकोसला करेगा फैसला। देखिए ये गलत चीज है, ये ढकोसला है, ये गलत चीज है। मौलाना साहब पूरी करेंगे, सुना मैंने अपनी बात, सही बात है, मंदिर बनवाते हैं। सुनिए अब देखिए इंटरप्ट कर रहे हैं, नहीं मौलाना साहब नहीं बनवाते हैं मंदिर, नहीं मंदिर के नाम पर लड़ा रहे हो। दूसरी बात पर रामचरितमानस को तो हम मानेंगे ना, तुलसीदास जी का कहा हर युग में सही होता है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को अक्षर सा अक्षर मानूंगा पूरा, जिस दिन इस देश में राम मंदिर बनेगा राजधर्म का पालन होगा बिल्कुल मानूंगा, लेकिन जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और जिहादी मानसिकता वाले लोग हमारे अयोध्या का नाम का मंदिर नहीं बनने दे रहे, मैं कंडीशन नहीं लगाई, नहीं मानूंगा। पर हम सब अपनी तरह से कंडीशन लगा रहे हैं। अभिषेक मिश्रा ने जो किया वो करेक्टली राइटली बहुत सही डिसीजन का कारण मैं
बता देता हूँ, इस्लाम के अंदर पांच चीजें कंपलसरी हैं, उसमें से एक चीज है जकात देना, डोनेशन देना। जो डोनेशन जो कमाता है और वो जो मस्जिद में जाके देता है, उसी मस्जिद की डोनेशन उन लोगों के पास चली जाती है। आपको पता ही नहीं, जकात मस्जिद में नहीं लगती। जो पूरी जो देता है मस्जिद में नहीं लगती। आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है क्या है कोड कर रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के लड़ने की सरहद पे लड़ते कहां से जाती है? उनको ऐड कहां से जाती है? उनको भी चलिए सरहद पे लड़ते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के लड़ने से ऐड जाती है। मौला मैं और ध्यान दिया देते हैं दोनों का। चलिए दोनों लड़ते हैं लश्कर के। मैं लड़ता हूं लश्कर। तो ये बात का खास करिए। अब मेरे साथ आप अभिषेक मिश्रा ने जो किया, मैं आपको हिम्मत है मेरे साथ चलने की? आप नहीं चलेंगे साथ ही व्यवहार करना। हमदर्द कंपनी में नया जी 4000 राम मंदिर सारे बनवाता हूँ चल के। आपने सवाल किया, बताइए हिम्मत है मंदिर बनाने की? आप नहीं बनाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही है। मैं तीन कंपनियों का नाम ले सकता हूँ जिन्होंने जो अपने यहाँ सिर्फ मुस्लिम इंप्लॉय को रखते हैं। आपने बोला कभी कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? वहाँ योग्यता नहीं है, योग्यता है। उसका उसका जवाब गलत से दें। और ये हिंदू धर्म सिखाता है। मैं आपको एक बात बताऊं अजय गौतम जी, तुलसीदास जी को माने नहीं है। अजय गौतम जी, आपने तुलसीदास जी को माना नहीं। आपने कहा कंडीशन पहले ये पूरी हो फिर मैं तुलसीदास जी को मानूंगा। वो बात अलग है कि तुलसीदास जी जो है उन्होंने कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई। देश में सैकड़ों राम मंदिर हैं, लेकिन जब तक एक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हिंदू धर्म इसी तरह से डरने की बात करता रहेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, आपने मैंने नहीं मोहन भागवत ने कहा था, इस देश में रहने वाला हर हिंदू है। राजधानी में आज चर्चा का विषय हिंदू मुस्लिम का जहर कौन फैला रहा है, कौन देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं, वो शख्स जिनके हवाले से खबर आई, जिन्होंने गर्व के साथ ट्वीट किया कि किस तरह से एक कैब का ड्राइवर मुस्लिम होने की वजह से उन्होंने अपनी कैब राइड कैंसिल कर दी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कैब ड्राइवर्स जिनकी रोजी रोटी यह होती है, वो इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। और अभिषेक मिश्रा जी आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आज तक कितने भी हिंदू कितने भी मुस्लिम जो राइडर हैं उनके साथ मैं गाड़ी चलाई है, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है और ना ही मैं चाहता हूं कि भविष्य में किसी के साथ हो। ये सब फालतू के मुद्दे हैं, इन पे मैं तो विश्वास करता नहीं। मुझे 2 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए और 2 सालों से मेरे संपर्क में कम से कम 10,000 से ऊपर ड्राइवर हैं। मैंने आज तक धर्म के आधार पे किसी भी ड्राइवर की कैंसिलेशन या किसी भी राइडर को कैंसिल करते हुए मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। नहीं सर, ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ और मैंने काफी राइडें की हैं, ना तो कभी राइडर ने इस तरह का मामला कभी संज्ञान में हमारे डाला है और ना ही हमारी तरफ से कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं और हर कस्टमर हमारा जो है अतिथि देवो भव का हम आदर करते हैं उनके साथ। मिश्रा जी सुना आपने, अतिथि देवो भव, ये जो कैब ड्राइवर्स हैं ये तो हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करते, आप कर रहे हैं। कौन सी किताब से पढ़कर आए ये गुड़ ज्ञान? एक बार आप जो आबिद हसन के जो ड्राइवर है उससे बात कर लीजिए एक बार, और जो रेशमा के नैयर वाला ड्राइवर उससे ही बात कर लीजिए आप। आपने 2 ड्राइवरों से बात कर लिया, इसका मतलब है किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा हिंदू ड्राइवरों से। और उसका समाधान आपने ये निकाला मिश्रा जी, उन दोनों को भी फोन मिला लीजिए एक बार आप। ये समाधान निकाला आपने, मतलब मैं ये कहूं कि जो शख्स राम के पंथ पर नहीं वो कैसा हिंदू? वायलेंस बोलोगे आप? नहीं, आप कौन सर, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। आप लिखते हैं ओला को सिंबल ऑफ वायलेंस बोलोगे, आप बढ़ाते हैं इसको सही चैनल से आगे। तो मैंने जवाब दिया उसको ना। नहीं आपने कैसे जवाब दिया? नहीं आपने कैसे जवाब दिया? मौलिक अधिकार के साथ जहर घोलने की आजादी नहीं है। आप खुलकर भड़का रहे हैं और भड़काते हुए गर्व कर रहे हैं। हिंदू के साथ जाना है या मुस्लिम के साथ जाना है? मुझे हिंदू से सामान लेना है या मुस्लिम से लेना है? इसकी मुझे आजादी है भारत में? भारत बिल्कुल आजादी है, भारत ने बिल्कुल आजादी है, तो मैं वो कर सकता। लेकिन अभिषेक मिश्रा आप ये नहीं लिख सकते कि ये पैसा जिहादियों के पास जा रहा था। आपने एक झटके में देश के 20 करोड़ मुसलमानों को जिहादी बता दिया। 20 करोड़ लोगों को, मुसलमानों को आपने जिहादी बता दिया। आपके पास कोई सबूत है कि क्या वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो जिहादी है? शब्द क्या मैंने पहली बार प्रयोग किया है? नहीं, जिहादी आपने इस्तेमाल कैसे कर लिया? पहली बार मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को आपने जिहादी कैसे कह दिया? कैसे जिहाद के नाम पर देश भर में लव जिहाद, कई तरह के
प्रकरण सामने आ रहा है, ये पैसा जिहादियों के पास जा रहा है, कैसे बता, मतलब कुछ भी गलत हो रहा हो उसको आप अपने दल के साथ जोड़कर जस्टिफाई करेंगे। आपसे लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर, जिस ट्विटर पर आप बड़ी शान से ट्विटर का सर्टिफिकेट लहरा रहे हैं उस ट्विटर पर अभिषेक मिश्रा जी आपसे लोग पूछ रहे हैं, ये जो तेल आता है ना सर, आपने आपने एक मुस्लिम ड्राइवर की कैब को तो रद्द कर दिया, कल को कोई हिंदू अगर ड्राइवर बनकर आपके पास आकर आपको लेकर आता है, सुन लीजिए मिश्रा जी, महापुरुषों को मत लाइए, महापुरुष होते हैं सर, ऐसी छोटी चीजों से महापुरुषों का दामन कभी खराब नहीं होता, इसीलिए आप और मेरे हनुमान को, मेरे हनुमान को वो सिंबल ऑफ वायलेंस बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा, तो आप जवाब दूंगा इस बात पे। मैं यहाँ पर भगवान राम ने रामायण में कहा कि जब बाली ने पूछा कि प्रभु आपने मेरे जिनको मैं पूछता हूँ आप तो मर्यादा, एक मिनट मिश्रा जी एक मिनट, जब बाली ने पूछा भगवान राम से कि आपने छुपके मेरा वध क्यों किया, क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर आपने छुपके मेरा वध क्यों किया, तो भगवान राम ने बाली से कहा कि दुष्ट को उसका जवाब उसकी दुष्टता से ही देना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के पोस्टर को, उनकी गदाओं को, माँ काली को ये बोलेंगे कि ये वायलेंस का प्रतीक है, ये फंडामेंटलिस्ट का प्रतीक है, ये तीव्रवादियों का प्रतीक है, तो मुझे आप बता दीजिए एक व्यक्ति सुरक्षा कारणों से किसी भी कारणों से किसी भी कैब को अगर रद्द करता है तो उसमें आपको बुराई क्या? अभी तो आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे थे, डिटेल्स अजय गौतम जी, अभी तो आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, अब आपको अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी गौतम जी, पर उनके गुरु भगवान राम, भगवान राम के राम राज्य में क्या होना चाहिए जो तुलसीदास जी बता रहे हैं, राम का मंदिर नहीं है और सब राम राज्य की बात कर रही है, राजनीति हो रही है गौतम साहब, जिहादी मानसिकता का राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर वही बनाएंगे, हनुमान जी जवाब देना, हनुमान जी के गुरु मत बोलिए, भगवान जी के गुरु भगवान राम ने राम राज्य की बात कही थी और राम राज्य में कहा था कि परस्पर प्रेम के साथ सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। आप तो प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं मान रहे हैं अभिषेक जी, हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस देश का मुस्लिम देश के लिए जिएगा देश के लिए मरेगा, ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जिनकी कैबिनेट के दो मंत्री सर, दो माननीय मंत्री आपको फॉलो करते हैं, वीएचपी जिनके बैनर तले आप हिंदू धर्म का झंडा लहराते हैं, वो वीएचपी आपके बयान से खुद को अलग कर रही है, आप मुझे बताइए मिश्रा जी आप किसका एजेंडा चला रहे हैं, नहीं नहीं सर सुनिए, क्यों नहीं सर, फॉलो करने का मतलब आपकी सुनी जाती है, आप कुछ भी बोलेंगे क्या जिम्मेदारी नहीं है, क्या जिम्मेदारी नहीं है आपकी, कोई मुझे फॉलो करता है तो ऐसा तो है नहीं कि फेसबुक राम मंदिर बनाने से कौन रोक रहा है अभिषेक जी और अजय गौतम जी, बताइए मेरे घर तो राम मंदिर है, कौन रोक रहा है राम मंदिर बनाने से, किसने मना किया राम मंदिर बनाने से, नेहा जी आप देखिए मिसलीड हो रही है बात, राम की जन्मभूमि पर ही राम मंदिर, गौतम जी यही तो मैं कह रही हूँ, राम मंदिर की बात नहीं है, मेरे गलती को भगवान राम और रामचरित्र मानस की आड़ में हम नहीं छुपाए, राम मेरे हृदय में है, अभिषेक गौतम जी के पक्ष की अभिषेक मिश्रा जी, इतना मैंने आपसे पूछा आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपने जो किया वो गलत किया, विजय मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हिंदू आध्यात्म की ताकत पर, सुन लीजिए मिश्रा साहब, मुझे नहीं लगता आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार भी सुना है, देश के प्रधानमंत्री को आपने एक बार भी सुना है मुझे नहीं लगता है, नहीं तो आप उनके नारों के ठीक उलट काम नहीं करते सर, डाउन रखिए डाउन, नहीं नहीं सर आप सुन लीजिए, मैं डाउन रखूंगी आवाज, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए सर, बात कर सकते हैं हम लोग विजय, सवाल यहाँ पर ये है, प्रधानमंत्री मोदी जो कि देश में हिंदू शक्ति और हिंदू आध्यात्म को रीढ़ बनाकर इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हैं, वहां पर अभिषेक मिश्रा जैसे लोग इस तरह का जहर क्यों घोल रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं उस स्वप्न को जो पूरा देश देखने की कोशिश कर रहा है, रेशमा देखिए प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कई बार कह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है जितने फिर आप बोलेंगे मैंने आवाज तेज की, सर जब बोला जाए तब बोलिए सर, ये शिष्टाचार के खिलाफ है और मुझे पता नहीं लेकिन हिंदू धर्म के भी खिलाफ है सर, एक मिनट सर विजय को बोलने दीजिए प्लीज, जी विजय जी, ये जितने फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो इस तरह की बातें करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन फ्रिंज एलिमेंट्स पर रोक लगाने का काम कोई भी पार्टी नहीं करती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो,
जाति को धर्म तोड़ता है। चुनाव में हमने देखा है कि जहां जहां जाति हावी रही वहां वहां बीजेपी हारी, जहां जहां जाति को धर्म ने तोड़ा वहां वहां बीजेपी जीती। और अब साल भर में एक तरह से देश चुनाव के मूड में रहता है और ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, चाहे वो कांग्रेस एक वक्त में या समाजवादी पार्टी या मायावती की पार्टी मुसलमानों के तुष्टिकरण की बात करती रही हो या फिर बीजेपी इस तरह के हिंदुत्व की बात करती रही हो, उग्र हिंदुत्व, क्योंकि विकास के नाम पर विकास की उम्मीद जताकर आप चुनाव जीत तो सकते हैं लेकिन विकास के नाम पर और अकेले विकास के नाम पर चुनाव दोबारा आप नहीं जीत सकते। सही बात है, धर्म देखकर क्या आप कैंसिल कर दी, क्या फर्क पड़ता है? ये जहर आज एक चिंगारी के तौर पर है, कल आग लग जाएगी फिर हम बोलेंगे आग लग गई, इसीलिए चिंगारी पर प्रहार कर रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि आज अभिषेक मिश्रा को यहाँ बैठा करके हम क्यों इनसे सवाल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको जरा भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। मौलाना जी मैं आपको यहाँ लेकर आना चाहूंगी, जो बात यहाँ पर अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं मैं सवाल कर रहा हूँ। अरे सर कोई गलत को गलत कोई नहीं, वही तो दिक्कत है सर, गलत को गलत से सही ठहराना कोई धर्म नहीं सिखाता। मौलाना जी जो बात यहाँ पर अभिषेक मिश्रा कि अगर कोई भगवान हनुमान के ऊपर सवाल उठाएगा ताकि ऐसे तो फिर वो इसी तरह से जवाब देगा। सामने आए देखिए, हिंदू डिस्क्रिमिनेट, ड्राइवर डिस्क्रिमिनेट ना हो, सिद्धांतिक उसूल बताता हूं। बेसिक्स ऑफ रिलीजन, मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि किसी के देवी देवताओं को बुरा मत कहो, बिल्कुल साफ मना किया गया है। अगर फिर भी कोई करता है तो वो मोहम्मद साहब की बात को अनदेखी कर रहा है और जो मोहम्मद साहब की बात को अनदेखी करेगा वो मुसलमान नहीं है, मैं साफ कहता हूं। अगर कोई भी मुसलमान ये कहता है किसी भी देवी देवता के बारे में तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हमें तो देवी देवताओं का एहतराम करने के बारे में सिखाया और बताया जाता है। बताइए बताइए फतवा जारी करेगा क्या चीज? अरे फतवा तो मैंने बोल दिया ना, क्या फतवा जारी किया जाएगा? मैंने बोल दिया ना कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, मैंने बोल दिया आपको। आपने बोल दिया फतवा जारी, मतलब आपने बोल दिया फतवा हो गया। सवाल लिख के लाइए मैं साइन करता हूं। राजधर्म में आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच इस देश में खाई कौन पैदा कर रहा है और देश को बांटने की कोशिश क्यों, धर्म के आधार पर अपनी टैक्सी ड्राइवर तय करने वाले लोग इस देश के लिए क्या कहीं से भी सही हो सकते हैं? अभिषेक मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक मिश्रा जी मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो बात तो आप मान नहीं रहे, वीएचपी ने आप ये जो बयान आपने दिया उससे खुद को अलग कर लिया है, किसका एजेंडा है जो आप आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा देखिए कोई एजेंडा नहीं है इसके प्रति, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। मुझे किसी ने हनुमान के रूप को सिंबल ऑफ वायलेंस बताया तो मैंने उसका विरोध किया। उसको आप प्रधानमंत्री से जोड़ेंगे या मेरे परिवार जो संगठन से जोड़ेंगे आप, तो वो आपका विषय है। मैंने बोला कि मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने खाली उस चीज़ को काउंटर करते हुए मैंने ट्विटर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अब उन भावनाओं से देश में वैमनस्य पैदा हो, टैक्सी ड्राइवर्स जो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कल उनके मन में भी ये भाव आए, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर सही तरह से गाड़ी चला रहा है या नहीं, कानून का पालन कर रहा है या नहीं, सुरक्षा का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा, ये तमाम चीजों को साइड करके जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं वो करें। मैंने प्रारंभ किया क्या? कर दिया ये। मैंने प्रारंभ किया गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए, गलत का साथ दिया। मैंने प्रारंभ नहीं किया, अमन हसन और रेशमा ने ये बात मत कीजिए मुझसे, तो मैं भी कैंसिल ना करता। आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं और आपने जो कद अपना बना रखा है उस पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। हिंदू धर्म का ठेकेदार कोई एक शख्स नहीं हो सकता सर, हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, प्रतिक्रिया रखी है, सुन रहे हैं ना मिश्रा जी, हिंदू धर्म बहुत बड़ा है सर, हिंदू धर्म में नेहा पंत भी आती है और लोग भी आते हैं सर, शर्मिंदा मत कीजिए, इतने कमजोर नहीं हम सर, बिल्कुल आप पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और फिर धर्म के आधार पर टैक्सी ड्राइवर तय करते हैं, तभी मैंने आवाज रखी है। महात्मा गांधी के देश में क्रिया पर प्रतिक्रिया की बात करते हैं, अगर मेरे सर
आप ये मान लीजिए आपके राज्य पे कोई अटैक करेगा, मैं कैसे कह सकती हूँ? सिंबल ऑफ वायलेंस बोलेगा, मेरे आराध्य पर कोई अटैक करेगा तो मैं लीगली उसे चैलेंज करूंगी। मेरे आराध्य इतने मजबूत हैं, मुझे इतनी ताकत देते हैं कि मुझे आपके से नफरत की राजनीति कर अपने कद को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदू होकर मैं इतनी गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि नफरत की राजनीति करके मैं अपना कद नहीं बढ़ाऊंगी, डर की राजनीति करके मैं अपना कद नहीं बढ़ाऊंगी। गौतम साहब, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले सबसे एक प्रतिक्रिया मिलूंगी। मिश्रा साहब, ठीक है सर, मैं समझ गई, एक घंटे में आपने दिखा दिया, एक घंटे में आप सबसे करेंगे सर, पर नेहा पंत यहाँ अभिषेक मिश्रा से बात कर रही है। समझिए सर, समझदार है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ समझिए, क्यों आहत महसूस कर रही हूँ समझिए, बहुत समझदार हैं आप। मौलाना जी, जो बात यहाँ पर मिश्रा जी कह रहे हैं बार बार एक ही चीज को घुमा रहे हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया उस पर डालूंगी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मुझे गौतम जी को और विजय जी को भी मौका देना। मिश्रा जी, कितना अच्छा होता अभी रेप केस की रोजाना घटनाएं हो रही है, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, कभी इनकी जबान उसके लिए खुलती, कभी देश में जो कुछ किसान मर रहे हैं, जहां जहां भी जो भी जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, उसके लिए इनकी जबान खुलती, कितना अच्छा होता। लेकिन इनको उस पर बात नहीं करनी, इनको सिर्फ बात करनी है नफरत फैलाने पर। ये नफरत को बेचने वाले लोग हैं, ये नफरत बेचने वाले लोग हैं। इस्लाम नहीं सिखाता, सारी चीजें जड़ कहां है? और हम लोगों को तो हिंदू होने का टैक्स भरना पड़ा, हम हिंदू पैदा हुए हैं, इसके लिए हम जजिया देते थे, अपने देवी देवताओं की यात्रा करने जाते थे, उसके लिए तीर्थ यात्रा में टैक्स दिया जाता था। ये कह रहे कि इस्लाम मैंने तो घटना का सारे लेकिन और अभिषेक चेतना जगाई है समाज के अंदर, लोग उसका फॉलो करेंगे। कैसे कानून को तोड़कर जहर खोलते हैं? विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 8वीं सदी में यहाँ पर मुस्लिम लोग आए, उसके बाद से 100 साल तक मुस्लिमों का शासन रहा, शासक वो रहे, इतिहास गवाह कि उसमें कई ज्यादा जुल्म भी हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हिंदू धर्म बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें मजबूत करता गया। इतना कमजोर नहीं है हमारा धर्म कि इस तरह के ट्वीट करके हम अपने टैक्सी ड्राइवर को भी धर्म के आधार पर अलग अलग करें। विजय, क्लोजिंग कॉमेंट आपका। मैं तो फिर कहूंगा ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, और फ्रिंज एलिमेंट्स से जैसे जो इनके संगठन है वो इनसे अलग होकर खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकते या अपने आप की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जितनी भी पार्टियों के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनकी जब तक उनकी जुबान खामोश नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। मेरे पास इतना ही है मिश्रा साहब, आपको सुना मैंने, सबको सुना हमने और उसके बाद बहस का निचोड़ यानी मेरा नजरिया इस पूरी तस्वीर पर साफ है, बहुत सशक्त हिंदू धर्म है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, समाज को बांटने की कोशिश बड़ा अपराध है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि धर्म के आधार पर अपने टैक्सी ड्राइवर को टिक या क्रॉस करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए राजधर्म के लिए, आपने वक्त निकाला। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।